What's up guys, welcome back to the channel. आज का वीडियो होने वाला है अबाउट मेंटेनेंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी डूइंग सम वर्क ऑन द MT-01. एज यू गाइज माइट बी नोइंग इफ यू आर फॉलोइंग माई चैनल दैट दिस मोटरसाइकिल हैज अ प्रॉब्लम विद द क्लच एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी रीबिल्डिंग द हाइड्रोलिक क्लच ऑफ दिस मोटरसाइकिल. आओ पहले प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस मोटरसाइकिल का है दैट दिस क्लच कीप्स ऑन गोइंग मेनी मेनी टाइम्स खराब हो जाता है एंड इसकी जो अंदर की किट है वो बेसिकली खराब हो जाती है एंड द क्लच बिकम स्पॉन्जी लाइक दिस विच मीन्स व्हेन यू पुट द गियर द बाइक जस्ट गोज इट डज नॉट एंगेज द क्लच. सो ये प्रॉब्लम है. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी रीबिल्डिंग इट एंड दिस इज द रीबिल्डिंग किट ऑफ दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल. आई बॉट इट फ्रॉम द कंपनी एंड कॉस्ट इट अबाउट 1800-1900 रुपीज समथिंग लाइक दैट एंड दो महीने ऑलमोस्ट लगे ये पार्ट को आने के लिए. ओके गाइज सो दीज आर द टूल्स विच यू आर गोइंग टू नीड फॉर दिस जॉब. अब ये बेसिकली सोपी वाटर है बिकॉज जो ब्रेक ऑयल रहता है बहुत करोसिव रहता है एंड कभी ब्लीडिंग के टाइम पे इधर उधर गिर गया तो ये फट से मारना है. एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले भी इसे मारना है इस तरीके से. द ब्लीड वाल्व इज ओवर हियर विच वी आर गोइंग टू ओपन इन सम टाइम. सो दिस इज सोपी वाटर, दिस इज ब्रेक ऑयल, नोज प्लायर फॉर द ओरिंग. द पाइप्स आई हैव गॉट फॉर ब्लीडिंग द सिस्टम फ्रॉम हियर बट ये थोड़े बड़े हैं और एक बहुत छोटा है एंड ऑफकोर्स पाना पकड़ एंड मास्टर सिलेंडर रीबिल्ड किट. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले वी नीड आवर स्क्रू ड्राइवर. वी नीड टू ओपन इट फ्रॉम हियर बट बिफोर दैट यू नीड टू नाइसली मास्क दिस अप एंड पुट सोपी वाटर सो दैट इफ द ऑयल फॉइल्स ऑन द मीटर्स और एनीथिंग इट विल नॉट स्पॉइल इट. So this rubber is also kept properly and safe and you don't lose this because that's a very important thing. And oil hai and ab oil ko hame nikalna hai isme se. Hame chahiye ek syringe. Ab doctor banna padega and operate karna padega is motorcycle ke upar. So with the syringe you can just suck the fluid out. Very very cheap, 10 rupees thing. Just keep it with you and I'll try to suck out all the bad fluid which is there. So as you can see this is really really contaminated and black. सो इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर चेंजिंग इट एंड बाकी का भी फ्लूड जो बचा है मैं निकालता हूँ एंड जो बचा कुचा फ्लूड जो इसमें नहीं आता है देन वी विल यूज अ डर्टी रैग टू जस्ट सोक इट अप. Assembly right now. This is the part which is the important part right now. Thoda bahut oil girega isme se because there is still a little bit in the system and the mirror we do not need right now. Make sure all the bolts are nicely secured and kept in a safe place. Ek bhi gum gaya to kaam nahi ho payega. So this is the main housing of the master cylinder and ye part pe hame work karna hai. Iske andar kit lagi hui hai and yahan par ek dust seal hai jise nikalna hai and behind that all the piston and the spring is located. तो बहुत मुश्किल से ये सी क्लिप निकली है बाहर एंड ये है पुराना मास्टर सिलेंडर किट विद द स्प्रिंग. अब इसका नया वाला हमें बनाना है इसमें से. सो दिस इज हाउ इट इज़. बहुत सी बार क्या होता है गाइज ये सील वोर आउट हो जाते हैं एंड इसके वजह से प्रेशर नहीं रहता है एंड देन द क्लच फेल्स. सो टाइम टू पुट द न्यू वन बट जस्ट इसे रखना है रेफरेंस के लिए एंड इसके रेफरेंस पे हम बनाएंगे. बेसिकली बहुत सिंपल है. ये हमें वॉशर्स यहाँ डालना है दो एंड स्प्रिंग लगाना है एंड प्रीटी मच डन. रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट वी एक्चुअली डिड नाउ. सो इट इज डन. वी हैव अटैच्ड ऑल द सिस्टम्स ऑन द मोटरसाइकिल एज इट वॉज. फिटिंग्स हो गई है. अब हमें नया ऑयल डालना है, सिस्टम को ब्लीड करना है एंड मेक श्योर करना है कि कोई भी हवा नहीं है अंदर. इज नो एयर इनसाइड एयर बबल्स. नहीं तो स्पॉन्जी क्लच होगा एंड द बाइक विल नॉट परफॉर्म एंड फिंगर्स क्रॉस आफ्टर दैट द बाइक शुड बी परफेक्ट एंड टच वुड देयर शुड नॉट बी एनी अदर प्रॉब्लम्स इन इट. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो हो गया है काम एंड द क्लच सीम्स गुड. इट सीम्स पॉजिटिव. अभी आई एम जस्ट स्टार्टेड द बाइक. आई एम वार्मिंग इट अप एंड होपफुली इन अ बिट
once it's warmed up, I'm going to try to put it in the gear and ride it, and hopefully problem solved and the MT is back on the roads again. एक दो राउंड बिल्डिंग का मारा, गेयर में जा रही है एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड आई ट्राइड, नो प्रॉब्लम. सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर यू स्मैश द लाइक बटन. ऑल्सो इफ यू एंजॉय सच कंटेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू एंड. टिल द नेक्स्ट टाइम कीप द रबर साइड डाउन. ओवर एंड आउट. दिस इज शारिक साइनिंग आउट. सी यू गाइस सून.